चंदन नगर गांव में मोहिनी नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। मोहिनी को बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी समय मिलता वह नाचती थी। बेटी मोहिनी, तुम ये हर वक्त 15 की तरह क्या उछलती रहती हो? मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी शादी भी तो करनी है, इसलिए सभी उल्टे सीधे काम बंद कर दो। पिताजी, मैंने किया ही क्या है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मुझे डांस करना कितना अच्छा लगता है। आप ही ने तो मुझे बचपन में ये घुंघरू खरीद कर दिए थे और आज आप ही मुझे नाचने से मना कर रहे हैं। बेटी, वह बचपन की बातें थी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें ऐसे नाचता देख गांव के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मोहिनी के पिताजी यह कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं और मोहिनी भी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन मोहिनी के पिताजी नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं। मोहिनी भी अपना सारा काम खत्म करके घर में बैठी हुई थी। कुछ काम बाकी नहीं था, इसलिए मोहिनी को नाचने का मन होता है और वह घुंघरू पहनकर जोर जोर से गाना गाकर नाचने लगती है। तभी मोहिनी के घर के पास से मुखिया जी गुजर रहे थे। मुखिया जी मोहिनी को ऐसे घुंघरू पहने नाचते हुए देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह घर के बाहर से मोहिनी को बुलाते हैं। अरे ओ मोहिनी, तू खुद तो पाप में डूबेगी ही, हमें भी पाप का भागीदार बनाएगी। मुखिया चाचा, पर मैंने किया ही क्या है, आप क्यों मुझे इस तरह कोस रहे हो? तू गांव में रहकर नाचने वाली कोठी की बाई की तरह घुंघरू पहनकर ठुमका लगाएगी। हम क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे? चाचा जी, आप मेरे नृत्य कला का अपमान कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जिससे हमारे गांव का नाम बदनाम हो, इसलिए आप ज्यादा कुछ ना कहें तो बेहतर होगा। मोहिनी ये कहकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मोहिनी का ऐसा व्यवहार देखकर मुखिया जी आग बबूला हो जाते हैं। मुखिया मोहिनी के घर से सीधा पंचायत जाता है और वहां जाकर पंचों से बात करता है। मोहिनी अपने घर पर घुंघरू पहनकर जोर जोर से गाना गा रही थी और नाचने वाले की तरह नृत्य कर रही है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, पर वह लड़की तो उल्टा मुझे ही उपदेश देने लगी। मोहिनी और उसके पिताजी मिलकर पूरे गांव को कोठा बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरा मानना है कि मोहिनी और उसके पिताजी को गांव से निकाल देने में ही भलाई है, नहीं तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद शाम होते ही मुखिया जी गांव के कई लोगों को अपने साथ लेकर मोहिनी के घर जाते हैं और वहां जाकर मोहिनी के पिताजी से कहते हैं, क्यों रे बंसी, तू और तेरी बेटी हमारे गांव को नष्ट करके ही मानोगे? तेरी बेटी ने मुजरे वाले की तरह नाचना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से हम लोग भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए सभी पंचों ने मिलकर फैसला किया है, तुम दोनों को कल सुबह ही गांव छोड़कर चले जाना होगा। अगर तुमने पंचों की बात नहीं मानी तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। मुखिया जी, आप मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, मैं उसे समझाऊंगा, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी। पर आप लोग इस गांव से मत निकालिए, इस टूटी हुई झोपड़ी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तुम दोनों बाप बेटी जितना भी ड्रामा करो, हम तुम लोगों की बातों में आने वाले नहीं हैं, इसलिए कल सुबह ही तुम दोनों गांव छोड़कर चले जाना। मुखिया और गांव वाले यह कहकर वहां से चले जाते हैं। मोहिनी के पिताजी मुखिया जी की बात सुनते ही जमीन पर गिर जाते हैं और शोक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मोहिनी पिताजी का ऐसा हाल देखकर अपने आप को कोसने लगती है और मोहिनी भी जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। मोहिनी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है
और गांव वालों से अपने पिताजी और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। इन दुष्ट पापी गांव वालों ने मेरे घुंघरू पहनकर नाचने की वजह से हमें इतना बेइज्जत किया कि इन लोगों की वजह से हमें मरना पड़ा। अब मैं देखती हूँ मुझे घुंघरू पहनकर नाचने से कौन रोकता है। मोहिनी चुड़ैल ये कहकर गांव के चौराहे में जाकर घुंघरू पहनकर नाचने लगती है। घुंघरू की आवाज जैसे ही मुखिया जी के कानों में पड़ती है, मुखिया जी नींद से उठ जाते हैं और नींद में ही मुखिया मोहिनी चुड़ैल के पास आ खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल मुखिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मुखिया, मेरे घुंघरू पहनकर नाचने से तुझे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कौन हो तुम? लगता है तू अभी तक नींद में है, जरा अच्छे से देख तुझे पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक चुड़ैल है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, कौन हो तुम? मैं वही मोहिनी हूँ जिसे तुम लोगों की वजह से मरना पड़ा। तुम लोगों ने मेरे पिताजी को भी मार डाला, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें भी तेरे पास ही भेजने वाली हूँ। चुड़ैल यह कहकर मुखिया के शरीर के ऊपर खड़ी हो जाती है और उछल उछल कर नाचने लगती है। इसी तरह चुड़ैल मुखिया को अपने पैरों तले कुचल कुचल कर मार देती है। दूसरे दिन सुबह गांव के चौराहे पे मुखिया की लाश देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं, पर कोई कुछ भी करने की हालत में नहीं रहता है। इसी तरह चुड़ैल हर रोज गांव के चौराहे में आकर अपने घुंघरू की आवाज से एक एक गांव वालों को आकर्षित करती है और उनको भी मुखिया की तरह पैरों तले कुचल कुचल कर मार देती है। एक दिन गांव का एक लड़का नंदन गांव वालों से कहता है, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारा भी हाल इनके जैसा ही हो सकता है। नंदन गांव वालों को लेकर तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाता है। तांत्रिक बाबा, हम बहुत मुश्किल में हैं, अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। और बाबा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर आप मेरी बात तो सुनिए, हमारे गांव में हर रात एक गांव वाले की मृत्यु हो रही है और जो भी इन लोगों को मार रहा है हमें लगता है वो कोई इंसान नहीं है, शैतान है। मैं तुम लोगों की बात अच्छे से समझ गया हूँ, वो जो भी है हमें उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए रात को गांव के चौराहे पर पहरा देना होगा। जब तक मैं उसे देख नहीं लेता तब तक मैं इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाऊंगा। तांत्रिक बाबा यह कहकर नंदन और गांव वालों के साथ गांव में जाते हैं और वहां जाकर रात होने की प्रतीक्षा करते हैं। आधी रात होते ही नंदन और गांव वाले तांत्रिक बाबा के साथ गांव के चौराहे में जाकर चुड़ैल का इंतजार करते हैं। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल गांव के चौराहे में आती है और घुंघरू पहनकर नाचने लगती है। घुंघरू की आवाज सुनते ही सभी गांव वाले आकर्षित हो जाते हैं और चुड़ैल के पास चले जाते हैं। चुड़ैल एक साथ सभी गांव वालों को आता देख बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, एक साथ सभी गांव वालों को मेरी घुंघरू की आवाज पसंद आ गई, इन्होंने मुझे मुजरे वाली कहा था, अब मैं इनको इनकी असली जगह पर पहुंचाऊंगी। चुड़ैल यह कहकर जैसे ही एक इंसान को मारने जाती है तभी वहां पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। दुष्ट पापी चुड़ैल, तुझे बहुत नाचने का शौक है, अब देख मैं तुझे कैसे नचाता हूँ। पाखंडी तांत्रिक, भाग जा यहाँ से, नहीं तो इन गांव वालों के साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूंगी। इन गांव वालों की वजह से मुझे और पिताजी को मरना पड़ा। मुझे सब मालूम है, तुम्हारा गुनहगार इस गांव का सरपंच था जिसे तुमने पहले ही मार डाला है। इस गांव के बाकी लोग निर्दोष हैं, तुम उन्हें नहीं मार सकती। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार डालूंगी। इस गांव के हर एक इंसान को मारना है।
तुम्हारी आत्मा को मुक्ति की जरूरत है। तुम एक अच्छी आत्मा हो, मुझे तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना होगा। कदे जैसी शक्ल वाले ईशान, तू मुझे मुक्ति दिलाएगा? रुक, अभी मैं तुझे इस दुनिया से मुक्त करती हूँ। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर मंत्र पड़ी हुई धूल फेंकते हैं। धूल चुड़ैल के शरीर पर गिरते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जमीन पर गिरते ही छटपटाने लगती है। चुड़ैल के जमीन पर गिरते ही उसके पैर से घुंघरू टूट जाती है। तांत्रिक बाबा टूटे हुए घुंघरू को जला देते हैं। घुंघरू जलाते ही चुड़ैल का शरीर भी जलने लगता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। अब इस चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो चुकी है। अब तुम गांव वालों को डरने की जरूरत नहीं है। आगे से किसी को भी चुड़ैल से कोई खतरा नहीं है।